बात मैं कह दूं आपसे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए, ये नहीं कि मैं एक खुबाई भी दूं फिर दूसरा करूं फिर तीसरा करूं, मैं नहीं करूंगा। एक मर्तबा में आपका दिल भर के जो सवाल करना है वो कर दीजिए। एक एक बोले, चाहे आप बोले चाहे आप बोले, फरमाइए। मैं तो कह चुका हूँ बना भाई, मदारिस इस्लामिया सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन फरमाइए सर, आप पहले एक तो ये बात मैं कह दूं आपसे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए, ये नहीं कि मैं एक खुबाई भी दूं फिर दूसरा करूं फिर तीसरा करूं, मैं नहीं करूंगा। एक मर्तबा में आपका दिल भर के जो सवाल करना है वो फरमाइए सर, आप पहले एक तो ये बात मैं कह दूं आपसे, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लीजिए, ये नहीं कि मैं एक खुबाई भी दूं फिर दूसरा करूं फिर तीसरा करूं, मैं नहीं करूंगा। एक मर्तबा में आपका दिल भर के जो सवाल करना है वो एक एक बोले, चाहे आप बोले चाहे आप बोले, फरमाइए। मैं तो कह चुका हूँ बना भाई, मदारिस इस्लामिया सन 1866 से चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी गई। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने अपने नज़रियात और सोच विचार जो बनाए थे वो ये थे कि मज़हब से ऊपर उठकर इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ मामलात किए जाएंगे। इसीलिए दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ उसकी रुदात बताती है कि यहाँ हिंदू भी दाखिला लेते थे और पढ़ते थे और दारुल उलूम देवबंद में उनको पढ़ाया जाता था। हमने एक तो ये बुनियाद आज तक दारुल उलूम से लगे हुए जितने भी दुनिया भर में मदरसे हैं, हमने ये बुनियाद बना रखी है कि हम किसी गवर्नमेंट से इमदाद लेकर मदरसे को नहीं चलाते, जो चंदा मुसलमानों का होता है उस चंदे के साथ चलते। दूसरी बात, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग कत्ल व क़िताल करते हैं या हम लोग इस्लाम के सिवा किसी और मज़हब के मानने वाले को जीने का हक नहीं देते या हम दहशतगर्दी करते हैं, हमने दारुल उलूम की तारीख और उसके नज़रिए को पेश किया। हमारा काम ये नहीं है, हमारे बच्चे न आग लगाते हैं ट्रेनों के अंदर न बसों के अंदर आग लगाते हैं, हमारे बच्चे इन तमाम चीज़ों से दूर रहकर अगर उन्हें एहतजाज भी करना होता है तो अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। मरना मारना लड़ना लड़ाना आग लगाना ये हमारा काम नहीं है। तीसरी चीज जो मैंने वहाँ कही है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी दखील हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उस काम से मिलना, यह दुनिया में चलता है, यही हमारा काम था, इसी को हमने कहा। बाकी हमारा यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं, वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए ताकि जो दस्तूरी हक है अपने मजहबी इदारे कायम करने का उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाए।
ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे, इनसे ये बात कही गई। सलामती बात और कही थी फरमाइए कि जो इस सरकार से पहले की सरकार थी तो वो बहुत सहूलियतें दिया करती थी और वो मानती थी। मैंने ये बात भी कही थी इसलिए कि वो पुराने लोग थे और वो उलमा और दारुल उलूम देवबंद ने क्या मुल्क की आजादी में काम किया है, आया उनके बराबर में खड़े होकर काम किया या उनके पीछे काम किया या उनसे 10 कदम आगे बढ़कर काम किया, वो इस चीज को जानते थे। इस बुनियाद के ऊपर वो दारुल उलूम को मुराद देते थे। अब वो लोग दुनिया से चले गए, अब जो लोग हैं वो दारुल उलूम देवबंद और उलमा की उस आजादी वतन के लिए जिहाद को नहीं जानते, इसलिए जो सहूलतें देते थे अब वो सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं और ये अफसोस की बात है। नहीं, हम सरकार की इमदाद लेते ही नहीं, लोग उस इमदाद के लिए मुतालबा करते हैं, हम उस इमदाद को नहीं लेते, हम कबूल नहीं करते हैं, हम उस इमदाद की न फिक्र करते हैं न हम उस इमदाद को लेते हैं। हजरत कुछ न्यूज चैनलों ने दिखाया कि मदरसे में जांच की घंटी लटक रही है दारुल उलूम के बारे में, गलत है, झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई जांच नहीं है, ये किसी ने किसी चैनल वाले ने यह उड़ाया था कि दारुल उलूम देवबंद गैर कानूनी तरीके पर चल रहा है, यानी वो किसी ये जो वक्फ बोर्ड है या दूसरी चीजें हैं उनके अंदर, लेकिन ये गलत है। दारुल उलूम किसी एक बोर्ड से मुल्हक सोसाइटी के साथ और दारुल उलूम से मिले करते हैं। सर, एक सवाल है, केंद्र सरकार और यूपी सरकार से आपकी कोई नाराजगी है या काम सही कर रही है? हमारी नाराजगी किसकी नाराजगी? दारुल उलूम देवबंद का कोई ताल्लुक नहीं है, न हम नाराज होते हैं न किसी से खुश होते हैं, हमारी क्या नाराजगी? नाराजगी उन लोगों की होती है जिनकी जो कुर्सी पर बैठे थे और उनको उतार दिया किसी ने, या वो किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बाबा, हम तो जमीन पर बैठ कर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किसी की कुर्सी का कुर्सी से क्या लेना। सर, आज की बैठक में क्या इस बात अगर मदद लेंगे तो क्या आपके नियम मानने पड़ेंगे, इसीलिए मना करेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये एक मजहबी काम है। मैंने कहा था कि मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते, चाहे हम इंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं, हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हम खुद करेंगे अपने मजहबी काम। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि एक हाथ में लैपटॉप हो एक हाथ में कुरान हो, हम चाहते हैं कि मदरसों की शिक्षा अच्छी हो, तो मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि मदरसों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी, आया लैपटॉप लेकर के होगी, मोबाइल लेके होगी या सिर्फ कुरान लेकर। मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं अब भी कहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो लैपटॉप न ले, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सके 5 वक्त की, हमें देहात में पढ़ा सके, जंगलों में पढ़ा सके, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें, लैपटॉप लेकर के एक हाथ में लोग कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करें, बाकी दूसरी जरूरतों के लिए यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और पढ़ते हैं बच्चे, हम भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ते हैं, हमें उससे क्या सरोकार लेना। मौलाना जो सम्मेलन हुआ उन मदरसों का स्ट्रक्चर है, जितने उलमाए दीन उलमा यहाँ जमा हुए, उस बात पर सहमति बनी कि मदरसों को और डेवलप करना है या जो स्ट्रक्चर नहीं है? नहीं, हमारी सहमति इस बात पर बनी है कि अगर उसकी जमीन के अंदर कोई कमी है, मान लीजिए कि वो ग्राम पंचायत की जमीन के ऊपर है या इसी तरीके की, और उसको दुरुस्त करे, जो अपना हिसाब है उसको ऑडिट कराए, जो गवर्नमेंट का कानून है कि हर देने वाले का मुकम्मल वो पता जो उसके शनाख्ती कार्ड पर गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है उस पते का इंदिराज हो। हमने उन सबको ये कहा कि गवर्नमेंट के इस कानून का एहतराम करें और इसी तरह चंदा करें, इसके खिलाफ ना करें। सर, आज की बैठक में क्या मदरसों के किसी बोर्ड से एफिलिएशन की बात हुई? नहीं, क्या इस पर हमारा ये तो हमारा एक नजरिया है
कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इलाहाक करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते। हम नहीं करते हैं बोर्ड से इलाहाक। बोर्ड से इलाहाक जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों की हैसियत खराब हो गई आसाम के अंदर, और जहां बोर्ड का बिहार में हुआ वहां बिहार में खत्म हो गए, यहां अगर मजहबी मदरसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं मुल्क की आजादी से पहले से और आजादी के बाद भी हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं। आप उर्दू बोले, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप कहीं ऊपर से नहीं उतरे हैं। आपको लगता है कि सरकार उस पर कंट्रोल रखना चाहती है जितने मदरसे देश भर में? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार मदरसों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे मरकजी गवर्नमेंट हो। मदरसों की गर्दन दबा करके अपने कंट्रोल में लेने कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, न दारुलूम के सामने आई है। ये हमारा एक दस्तूरी हक है जो दस्तूर ने हमें दिया है, हम उस हक के मुताबिक चलाते हैं मदरसों को, पैसा जमा करते हैं, चंदा करते हैं मदरसों। आपने कहा कि आजादी से पहले 1868 से दारुलूम देवबंद चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है दारुलूम देवबंद 66 से, जिस तरह की खबरें आ रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है, जो सर्वे ये गलत है, तो उसको बिल्कुल आप नकार रहे हैं। बिल्कुल गलत है, ये कैसे हो सकता है कि दारुलूम इस तरह चलेगा, इतना बड़ा इदारा, और वो किसी एक्ट से नहीं लगेगा, ये कोई बात। लेकिन सर, यूपी सरकार ने अपने सर्वे में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है या गैर जमीन पर चल रहे हैं। वो जाने, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो किस मदरसे को कह रहे हैं उनको जब कहा जाएगा तो पता चलेगा। क्या मदरसों के सिलेबस में बदलाव की जरूरत महसूस की गई? नहीं नहीं नहीं, मदरसों में पहले भी यही बात थी, मैंने ये बात कही थी कि मदरसा जब बना है उस वक्त जो इसका एक निसाब तालीम था जिसको आप सिलेबस कह रहे हैं उसके अंदर भी यानी दूसरी हिसाब जोग्राफिया अंग्रेजी ये तमाम चीजें थी, और 8 साल तक उसको पढ़ाया जाता था। उसको पढ़ाने के बाद फिर 8 साल का हमारा मजहबी जो निसाब तालीम का सिलेबस था उसको पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में उसके अंदर फारसी बहुत ज्यादा थी, फारसी का चलन दिन ब दिन कम से कम तर होता चला गया, उसको छोटा कर दिया गया, पहले 8 से 5 किया गया, फिर 5 से 3 कर दिया गया। ये वो चीजें हैं कि जो किसी चीज की कभी जरूरत होती है कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हमारे 8 साल बिल्कुल पहले निसाब में, उसके बाद 5 साल का जो निसाब या सिलेबस था कह रहे हैं, जिन चीजें हैं हमने उन चीजों को फिर अच्छी तरीके बदला करके रखने का इरादा किया है, वो आज के दिन भी है, हिसाब है, ज्योग्राफिया है, और 10वीं तक हम उसका एग्जाम दिला देंगे ताकि बच्चा हमारे यहाँ से फारिग होने के बाद, मान लीजिए उसके माँ बाप या वो चाहता है कि वो आगे तालीम हासिल कर सके, बीए और एमए कर सके, तो उसके लिए रास्ता खुला। तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया जा रहा है? आप फिर वही आसमान की जबान बोल रहे हैं, आप उर्दू बोलिए या हिंदी बोलिए, आप तो ये कभी आपने देखा भी नहीं हुआ बरतानिया। कम से कम बहुत दिनों से लोगों की एक मांग चली आ रही है, मौलाना बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं वो। हाल के दिनों में जिस तरह मदरसों पर हुलिया उठी है, आतंकवाद का चस्पा करने की कोशिश की जा रही है किसी मदरसे को, तो उससे कैसे निकलेंगे? मदरसे इस जद में नहीं आए, मदरसे साफ सुथरे रहे, कैसे जद में न थे ना आज है, और आइंदा की बात मैं कहता नहीं हूँ। मदरसों को मैंने 10 दफे कहा है वहां सिर्फ मजहबी तालीम और शिक्षा दी जाती है, किसी मजहब की तालीम के अंदर दहशत गर्दी या कत्लो गारतगर्दी की कोई चीज नहीं है। मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे, मदरसे ऐसे हैं 90% जिनके दरवाजे भी नहीं है, सुबह से शाम तक रात और दिन जिसका जी चाहता है, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा जो चाहता है घुस जाता है उसके अंदर, आदमी भी घुस सकता है, मैं और आप भी घुस सकते हैं, जाके देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, किसके हाथ में छुरी है, कौन रिवॉल्वर लिए बैठा है। आपको कुत्ता भगाने के लिए बांस भी नहीं मिलेगा,
देखो ऐसी बात है, कहने को आदमी के मुंह में जबान है, जो जी जाए कह दे, मगर कोई चीज नहीं है। दहशत गर्दी से कहता हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि मदरसे के तलबा तो आग भी नहीं लगाते, एहतजाज करते हैं। अभी जो एहतजाज किया है मुल्क ने, ये जो फौजी भर्ती है 4,000 की, कितनी गाड़ियों को जला दिया। आप ये बताइए मदरसे के किसी तालिबे ने गाड़ी को आग लगाई हो? हमारे यहाँ ये सब कुछ है नहीं। कहने के लिए आदमी के मुंह में जबान जो दी जाए कहते, मगर ये कहना उनका ये बताता है कि उन्हें कुछ जमीन और आसमान का पता नहीं, जो मुंह में आता है वो कहते। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल ये था कि मदारिस में दाखिले के लिए कम से कम काबिलियत की क्या हद तय की गई है? कोई चीज नहीं, एक हर्फ नहीं जानता है आदमी ए बी सी डी दाखिल हो जाए, हम उसे अलिफ बे ते सिखलाएंगे, ए बी सी डी ने अलिफ बे ते सिखलाएंगे, और मरने के करीब हो और कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ क्या धर्म आ जाए, हम उसे सीने सर पर बैठाएंगे, गले लगाएंगे। ये क्या चीज है? पढ़ने की कोई जिंदगी है? ये तो वो है कि जो पढ़ाई पैसा कमाने के लिए होती है, वही मुलाजमत नहीं मिलेगी। हमारी पढ़ाई मुलाजमत के लिए नहीं है, हमारी पढ़ाई इसलिए है कि आदमी को जिस अल्लाह ने पैदा किया है, बनने के बाद जिंदगी वो उसके रास्ते पर चलाए और मर जाए तो कल को उसके सामने खड़े होकर के सही उसका हिसाब हो, खराब हिसाब ना हो। इसलिए इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई कैद नहीं है। हजरत आपको लगता है कि मोदी सरकार या योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों के हक में कुछ आगे फैसला लेंगे, जिस तरह की बातें करेंगे हम अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना? मैं नहीं जानता हूँ आगे की बात, मैं कोई अल्लाह मियां थोड़ी हूँ कल की बात बता दूं आज। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने सर्वे के मसले के अंदर अपने जिस चेहरे को हमें दिखलाया है वो खराब नहीं था। सर्वे हुआ, हमने जैसे कहा वैसे सर्वे हुआ। इधर मदरसों के दरवाजे तो खुल गए, आप किस चीज का सर्वे करना चाहते हैं? हमारा मानना है कि आप सब कुछ जानते हैं, जिला इंतजामिया एक एक चीज मदरसे की जानती है, हर मदरसे की जान, किस चीज का सर्वे है? हमारी इस बात को कबूल कर लिया उन्होंने, सर्वे हो भी गया, खत्म भी हो गया, कोई बात तो उठी नहीं। लेकिन सर्वे के बाद जो 7,500 पाए गए हैं गैर मान्यता प्राप्त, मैं नहीं समझता, मैं अभी नहीं जानता हूँ। जब उनकी लिस्ट आएगी और ये कहा जाएगा कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त का क्या मतलब आप लेते हैं, बताइए क्या मतलब है मान्यता प्राप्त का? कहीं दर्ज हो सरकार के ये बताइए आर्टिकल 25 ने जो हमें हक दिया है मदरसा बनाने का, ये बताइए उसमें कहीं लिखा है कि हम उस मदरसे को फुला जगह जाकर के पहले मंजूर कराएंगे तब उसके बाद बनाएंगे? ये तो एक एक यानी दस्तूरी हक है जो उन्होंने हमें दिया है कि हम किसी गांव में बैठ करके झोपड़ी के अंदर, हम कहीं भी बैठ करके हम अपने बच्चों को जो तालीम हमारी मजहबी तालीम है वो दे सकते हैं, हम वही तालीम देते हैं। क्या मतलब है इसका कि मान्यता प्राप्त मदरसा होना चाहिए, बताइए? और अगर ये कानून दस्तूरी एतबार से आप निकाल देंगे और हम देखेंगे कि भाई दस्तूर ने हमें हक इसी शर्त पर दिया है, हम मान्यता प्राप्त भी करा लेंगे, क्या जरूरत है इसकी कि आज आप खड़े होकर के हमसे कहें? तो आने वाले वक्त में देखेंगे कि मदरसे और सरकार के बीच कोई टकराव भी, ये बहुत मदरसे नहीं ये आप नहीं हमारे मजहबी हक में और सरकार के अंदर कोई टकराव होता है या नहीं? आप एक मदरसे को लेते हैं, आप अगर मदरसे को पकड़ते हैं इसका मतलब यह कि मेरी मस्जिद को पकड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर मुस्तकबिल आने वाले जमाने के अंदर टकराव सरकार का हमारे मजहब से होता है तो हमें उस वक्त ये फैसला करने का होगा कि हमें अपने मजहब पर की मुखालफत में जिंदा रहना है या मुखालफत के अंदर मरना है, ये फैसला हम उस वक्त करेंगे। आज क्या फैसला? हम आज किसी गवर्नमेंट को नहीं समझते कि वो हमें मजहबी एतबार से मुल्क में जीने का हक नहीं देते हैं, हम नहीं आज ये समझ रहे हैं। ठीक है, जो बड़े दिनों मैंने कहा मैं तो समझा कि और चले गए, आप क्यों हंसे इस बात पे? यानी मैं और कहीं चले गए, मतलब ये कि दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, आप ये समझ के क्यों हंसे? जो बदल के बिना इंसाफ के हो गया, खुशी भाई हमको भी दिक्कतें आएगी।
जो मदरसे बिला इमदाद के चल रहे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि हम दिक्कतें लाएंगे बजाय कुरान के, कोई ताल्लुक नहीं है। ना हम इलेक्शन खुद लड़ते हैं, ना हम जमाती एतबार से इलेक्शन लड़ाते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी दुनिया की सियासत के अंदर आदमी दखील हो, हमारे साथ उसका मिलना, हमारा उससे मिलना, उसका हमसे मिलना, यह दुनिया में चलता है, यही हमारा काम था, इसी को हमने कहा। बाकी हमारा यहाँ इज्तिमा इस वक्त जो आप देख रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ जमा हैं, वो सिर्फ मदरसों का मसला है कि मदरसों के चलाने के अंदर अगर कानून के एतबार से कोई कमी है या गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर किसी तरह की मुदाखलत है तो वो उस कमी को दूर करना चाहिए, ताकि जो दस्तूरी हक है अपने मजहबी इदारे कायम करने का उसके अंदर हम मुजरिम करार न दिए जाए, ये मकसद था, इसीलिए सब लोग जमा हुए थे, इनसे ये बात कही गई। फरमाइए कि जो इस सरकार से पहले की सरकार थी तो वो बहुत सहूलियतें दिया करती थी और वो मानती थी। मैंने ये बात भी कही थी, इसलिए कि वो पुराने लोग थे और वो उलमा और दारुल उलूम देवबंद ने क्या मुल्क की आजादी में काम किया है, आया उनके बराबर में खड़े होकर काम किया या उनके पीछे काम किया या उनसे 10 कदम आगे बढ़कर काम किया, वो इस चीज को जानते थे। इस बुनियाद के ऊपर वो दारुल उलूम को मुराहत देते थे। अब वो लोग दुनिया से चले गए, अब जो लोग हैं वो दारुल उलूम देवबंद और उलमा की उस आजादी वतन के लिए जिहाद को नहीं जानते, इसलिए जो सहूलतें देते थे अब वो सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं, और ये अफसोस की बात है। नहीं, हम सरकार की इमदाद लेते ही नहीं, लोग उस इमदाद के लिए मुतालबा करते हैं, हम उस इमदाद को नहीं लेते, हम कबूल नहीं करते हैं, हम उस इमदाद की न फिक्र करते हैं न हम उस इमदाद को लेते हैं। हजरत, कुछ न्यूज चैनलों ने दिखाया कि मदरसे में जांच की घंटी लटक रही है, दारू के बारे में जांच की घंटी लटक रही है, मदरसे के सर्वे को। ये गलत है, झूठ बोलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई जांच नहीं है, ये किसी ने किसी चैनल वाले ने यह उड़ाया था कि दारुल उलूम देवबंद गैर कानूनी तरीके पर चल रहा है, यानी वो किसी ये जो वक्फ बोर्ड है या दूसरी चीजें उनके अंदर, लेकिन ये गलत है। दारुल उलूम किसी एक बोर्ड से मुल्हक सोसाइटी के साथ और दारुल उलूम से मिले कर। सर, एक सवाल है, केंद्र सरकार और यूपी सरकार से आपकी कोई नाराजगी है या काम सही कर रही है? हमारी नाराजगी किसकी नाराजगी? दारुल उलूम देवबंद का कोई ताल्लुक नहीं है, न हम नाराज होते हैं न किसी से खुश होते हैं, हमारी क्या नाराजगी है? नाराजगी उन लोगों की होती है जिनकी जो कुर्सी पर बैठे थे और उनको उतार दिया किसी ने, या वो किसी दूसरे की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बाबा, हम तो जमीन पर बैठ कर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमें किसी कुर्सी का कुर्सी से क्या लेना? सर, आज की बैठक में क्या इस बात अगर मदद लेंगे क्या आपके नियम मानने पड़ेंगे, इसीलिए मना कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारा ये एक मजहबी काम है। मैंने कहा था कि मस्जिद और मदरसा ये खालिस हमारा मजहबी, हम अपने मजहब के लिए किसी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते, चाहे हम इंग्रेज से भी नहीं लेते थे, कांग्रेस से भी नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं, हम अपने मजहब के लिए किसी के मोहताज नहीं, हम खुद करेंगे अपने मजहबी काम। मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री भी कह रहे हैं कि एक हाथ पे लैपटॉप हो एक हाथ पे कुरान हो, और हम चाहते हैं कि मदरसों की शिक्षा अच्छी हो, तो मोदी योगी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि मदरसों की शिक्षा कैसे अच्छी होगी, आया लैपटॉप लेकर के होगी, मोबाइल लेके होगी, या सिर्फ कुरान लेकर? मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं अब भी कहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो लैपटॉप न ले, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा सकें 5 वक्त की, हमें देहात में पढ़ा सकें, जंगलों में पढ़ा सकें, बड़ी छोटी छोटी तनख्वाहों पर काम कर सकें। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में लोग कुरान पढ़ा सकेंगे न नमाज पढ़ा सकेंगे? इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करें।
बाकी दूसरी जरूरतों के लिए यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं बच्चे, हम भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ते हैं, हमें उससे क्या सरोकार है। मौलाना जो सम्मेलन हुआ मदरसों का स्ट्रक्चर है, जितने उलमाए दीन उलमाए यहाँ जमा हुए, उस बात पर सहमति बनी कि मदरसों को और डेवलप करना है या जो स्ट्रक्चर नहीं है? नहीं नहीं, हमारी सहमति इस बात पर बनी है कि अगर उसकी जमीन के अंदर कोई कमी है, मान लीजिए कि वो ग्राम पंचायत की जमीन के ऊपर है, या इसी तरीके की और कोई, उसको दुरुस्त करे, जो अपना हिसाब है उसको ऑडिट कराए, जो गवर्नमेंट का कानून है कि हर देने वाले का मुकम्मल वो पता जो उसके शनाख्ती कार्ड पर गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है, उस पते का इंदिराज हो। हमने उन सबको ये कहा कि गवर्नमेंट के इस कानून का एहतराम करे और इसी तरह चंदा करे, इसके खिलाफ ना करे। सर आज की बैठक में क्या मदरसों के किसी बोर्ड से एफिलिएशन की बात हुई? नहीं, इस पर हमारा ये तो हमारा एक नजरिया है कि हम किसी गवर्नमेंट के बोर्ड से इलाहा करके गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं लेना चाहते, हम नहीं करते हैं बोर्ड से इलाहा। बोर्ड से इलाहा जिन मदरसों का हुआ है उन मदरसों की हैसियत खराब हो गई आसाम के अंदर, और जहां बोर्ड का बिहार में हुआ वहां बिहार में खत्म हो गए, यहां अगर मजावी मदरसे खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये हम बिल्कुल सहमत है, आज से नहीं मुल्क की आजादी से पहले से और आजादी के बाद भी, हम किसी भी गवर्नमेंट से पैसा लेकर अपने मजहबी काम को नहीं। लेकिन सर एक सवाल है कि यूपी सरकार नियंत्रण में रखना चाहती है। आप उर्दू बोले, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप कहीं ऊपर से नहीं उतरे हैं। आपको लगता है कि सरकार उस पर कंट्रोल रखना चाहती है जितने मदरसे देश भर में? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार मदरसों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे मरकजी गवर्नमेंट हो, मदरसों की गर्दन दबा करके अपने कंट्रोल में लेने कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, न दारुलों के सामने आई है। ये हमारा एक दस्तूरी हक है जो दस्तूर ने हमें दिया है, हम उस हक के मुताबिक चलाते हैं मदरसों को, पैसा जमा करते हैं, चंदा करते हैं मदरसों। आपने कहा कि आजादी से पहले 1868 से दारुलूम देवबंद चल रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही है दारुलूम देवबंद 66 से, जिस तरह की खबरें आ रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है जो सर्वे, ये गलत है, तो उसको बिल्कुल आप नकार, बिल्कुल गलत है, ये कैसे हो सकता है कि दारुलूम इस तरह चलेगा, इतना बड़ा इदारा और वो किसी ऐप से नहीं लगेगा, ये कोई बात। लेकिन सर यूपी सरकार ने अपने सर्वे में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है या गैर जमीन पर, ये वो जाने, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो किस मदरसे को कह रहे हैं उनको जब कहा जाएगा तो पता चलेगा। क्या मदरसों के सिलेबस में बदलाव की जरूरत महसूस की गई? नहीं नहीं नहीं, मदरसों में पहले भी यही बात थी, मैंने ये बात कही थी कि मदरसा जब बना है उस वक्त जो इसका एक निसाब तालीम था जिसको आप सिलेबस कह रहे हैं उसके अंदर भी यानी दूसरी हिसाब जोग्राफिया भी ये तमाम चीजें थी, और 8 साल तक उसको पढ़ाया जाता था, उसको पढ़ाने के बाद फिर 8 साल का हमारा मजहबी जो निसाब तालीम का सिलेबस था उसको पढ़ाया जाता था, लेकिन बाद में उसके अंदर फारसी बहुत ज्यादा थी, फारसी का चलन दिन ब दिन कम से कम तर होता चला गया, उसको छोटा कर दिया गया, पहले 8 से 5 किया गया, फिर 5 से 3 कर दिया गया। ये वो चीजें हैं कि जो किसी चीज की कभी जरूरत होती है कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हमारे 8 साल बिल्कुल पहले निसाब में, उसके बाद 5 साल का जो निसाब या सिलेबस था आप कह रहे हैं, जिन चीजें हैं हमने उन चीजों को फिर अच्छी तरीके पर ला करके रखने का इरादा किया है, वो आज के दिन भी है, हिसाब है, ज्योग्राफी है, और 10वीं तक हम उसका इम्तिहान दिला देंगे ताकि बच्चा हमारे यहाँ
यहाँ से फारिग होने के बाद मान लीजिए उसके माँ बाप या वो चाहता है कि वो आगे तालीम हासिल कर सके बीए और एमए कर सके तो उसके लिए रास्ता खुला। तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया जा रहा है? आप फिर वही आसमान की जबान बोल रहे हैं, आप उर्दू बोलिए या हिंदी बोलिए, आप तो रेत कभी आपने देखा भी नहीं हुआ बरतानिया। कम से कम आए बहुत दिनों से लोगों की मांग चली आ रही है, मौलाना बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह मदरसों पर उंगलियां उठी है, आतंकवाद का चस्पा करने की कोशिश की जा रही है किसी मदरसे को, तो उससे कैसे निकलेगी? मदरसे इस जद में नहीं आए, मदरसे साफ सुथरे रहे, कैसे इस जद में न थे न आज है। और आइंदा की बात मैं कहता नहीं हूँ, मदरसों को मैंने 10 दफे कहा है वहाँ सिर्फ मजहबी तालीम और शिक्षा दी जाती है, किसी मजहब की तालीम के अंदर दहशत गर्दी या कत्ल वालदगर्दी की कोई चीज नहीं है। मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे, मदरसे ऐसे हैं जो